है रॉबिन हुड, रॉबिन हुड बांटे। क्या है सलमान का कैरेक्टर को लेकर आइडिया? क्यों सीरियस हो रही है फन लविंग चुलबुल पांडे? क्या सलमान है पिछले कैरेक्टर से नाखुश? अब जैसा कि आपने सलमान की काफी फेमस मूवी दबंग में देखा ही होगा कि कैसे हमारे चुलबुल पांडे का कैरेक्टर बड़ा बबली और मजाकिया टाइप का दिखाया गया है, और शायद यही इंटेंस येट फनी का मिक्सचर मूवी को अभी तक चलाता आया है। लेकिन इस बार दबंग के आने वाले फोर्थ पार्ट दिखेंगे कोई और ही मंजर। दरअसल एक अपडेट के अकॉर्डिंग सलमान का इस आने वाले सीक्वल के लिए ये कहना था कि क्योंकि दबंग 3 एक फ्लॉप मूवी साबित हुई, तो अब उन्हें चुलबुल पांडे के कैरेक्टर में कुछ चेंजेस लाने होंगे ताकि ऑडियंस को कोई नया वेरिएशन मिले। बल्कि उनका ये कहना था कि इससे पहले भी बाकी पार्ट्स वो अपने कैरेक्टर को सीरियस ही प्ले करना चाहते थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट्स की डिमांड नहीं थी। पर इस बार वो फनी चुलबुल पांडे नहीं बल्कि इंटेंस चुलबुल पांडे के रूप में मूवी में नजर आएंगे। और इस बात से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि पिछले पार्ट में सलमान अपनी एक्टिंग से खुश नहीं थे, इसलिए मूवी के थर्ड पार्ट भी फ्लॉप हो गए। लेकिन क्योंकि एक्टर ने इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, इसलिए हम तो नहीं, लेकिन आप अपने कमेंट से हमें जरूर बता सकते हैं क्या यही रीजन रहा होगा मूवी के फ्लॉप होने का या कोई और रीजन। पर फिलहाल जो भी हो, देखना ये है कि रॉबिन हुड पांडे का ये सीरियस अवतार कैसा मोहता है अपने फैंस को, क्या असर लाता है ये मूवी की सक्सेस पर। ऑल्दो भाई के फैंस के अकॉर्डिंग वो जो भी करे, फैंस को तो सब कुछ पसंद आता है। बाकी लोगों का रिएक्शन और क्रिटिक्स के कमेंट्स डिसाइड करेंगे भाई की इस अपकमिंग मूवी का फ्यूचर। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा वेट मूवी के रिलीज पर। पर आप चिंता मत करिए, तब तक के लिए आपके एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी हमारी है। आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए